बुढ़ा था उसका सात बहू थी। तापड़ी सात बहू आ तो बोलिया बेटी मैं कत तक ना लू, मेरा कत तक ना आना जी करे, मेरा नवा दोगी। छह बहुआ ने मना कर दिया। बड़ी बहू बोली अब पिताजी आप ना लो, मैं नहीं माऊंगी आपका। तब बुढ़ा रोज सुबह उठकर नदी पर नहा जाता, कत तक नहा जाता, आया घर में धोती सुखा, जो धोती में तो पानी गिरता ना उड़े मोती ब्रशा करते। तो उन बहुआ ने देखा, छह बहुआ ने कोई बुढ़े ने इसके इतना धन दे दिया, क्यों नहीं हम भी, उनका बेईमाना आ गया। बोली पिताजी के रोज ना का उन्हें कद दिन मारे भी आ करो, एक हमारे घर में धोती सुखा दो, मैं भी तेना कतक नुआऊंगी। तो बुढ़े ने देखा कह उनके घर में धोती सुखा दी, धोती सुखाए तो उनके घर में तो किचड़ माच गया, फिर तुमने तो लोभ में बुलाया था, जब तक पहले तो नान का मना कर दिया, फिर लोभ में बुलाया, तो उनके घर में किचड़ माच गया। तो छह बहू बोली मारे मत सुखाओ, तू तो बेईमान इतना आवे है, उनके घर में तो हीरे मोती बरसे, जब तू ना कर धोती सुखावे, और हमारे घर में इतने किचड़ मचा दिया, तू तो हमारे घर में पाप तो ना आवे है, जा उल्टा उसके चलिया जा। उल्टा बड़ी बहू के चलिया गया। कह तक का महीना पूरा हो गया, तब बुढ़ा सोच में बैठ गया। बड़ी बहू बोली पिताजी सोच में क्यों बैठे हो? बोला बेटे कद तक का नाण पूरा कर दिया, मैं छोटा सा भंडारा भी करना चाहूं। बोली पिताजी करो भंडारा भी लाओ, खुश होकर। तब भंडारा लाया बुढ़े ने, तो छऊ बहुआ ने बुलाने गया, छऊआ ने मना कर दिया काम ना आवा, मारा तो तू पाप तो ना आवा, उसका ना आवा, उसके सारा धन दे दिया। बोला बेटे आज खाने पे प्रसाद है भगवान का, स्नान भगवान का, जो तुम भी ले लो, काम तो जब आओगे जब उन्हें खेत में भेज देगा, उनका घर तक भेज देगा। तो आके बोलिया बेटे केवल प्रसाद लेने जब आओ, जब तू घर तक बाहर चल जाएगी। वन बोली पिताजी इसमें के बात है, छो मैं अपने खेत में चल जाऊंगी, अपनी दो रोटी लेकर और वो अपना खा जाऊंगी प्रसाद। तो पछे ताई में बहू जितना खाया गया खाया, बाकी खीर हलवे में सारे मैं मिट्टी कंकर गेरगी, सारे प्रसाद में खराब करगी। तब बुढ़ा फिर सोच में बैठ गया। बहू आई खेत में, तय बोली पिताजी सोच में क्यों बैठे हो? अब बेटे वो आ तो गई घर में, लेकिन सारे प्रसाद ने खराब कर दी। अब क्या खराब कर दी? आकर जितना खाया खाया, बाकी मैं मिट्टी का कर गेरगी। बोली कोई ना पिताजी, मोर बना खा लूंगी। तो बुढ़ा बोला बेटा ठीक से, तो सारा वो ठीक ठाक ने निपट गया। पिताजी बोले बड़े बढ़िया डालने मट गया। तो उन्हें देखा थोड़ी देर में, जी तुम बहु कंकर मिट्टी बगा दी थी, ओड़े हीरे मोती बरस रे, मैल और अच्छा बढ़िया बन गया, भगवान खुद आ उसके घर में सारे ठाट बाट लग गए। तो उन्हें फिर देखा अब बुढ़े ने इनके घर में सारा महल बना दिया है, सारा धन दान दे दिया, इतना धन दौलत दे दिया, उनके भंडार भर गए। और ससुर तक अपने ससुर कहने लगे पिताजी आप तो कह रहे थे कुछ नहीं, और ये तुम्हारे तो सब चीजें का ठाट हो गए, हीरे मोतिया घर भर गया, जिदे कोड़े धन दौलत की वर्षा हो रही है, उनके भंडार भर रहे हैं, घर तो महल बन गया। तब बुढ़ा बाबा बोलिया बेटी इतने मैं कद तक सत्यन आया, कद तक मैं इतने मैं सत्यन आया, सत मेरा निभाया, इतना बढ़िया प्रसाद बना, वो तो अच्छा वो अपने पाप तो अपने काम धन के लोग मगला थी, मैंने तने तो मेरा सत्य निभाया है, तो थारे पर तो कद तक देवता प्रसन्न हो गए, उनने तो पाप तो नवाया था मैं, ए भगवान कद तक देवता जिसे बहु पर प्रसन्न होए, इसी सब पर प्रसन्न होइयो, कृपया करके सब का घर भरियो, और उस कद तक देवता जिसे उस पर बरसे सब पर बरसियो, कहने वाले पर भी सुनने वाले पर भी, बोल कद तक देवता की जय हो।